हाँ नमस्कार दोस्तों दोस्तों, मैं धर्मराज कवि शायर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते, मैंने जैसा जस्ट तू लोग सभी जानत हो कि हम अपने अपने क्षेत्र में जो उन लोग महारत हासिल किए हैं, बीच बीच में अगर वही सुविधा से मिल जाते हैं और इच्छा जाहिर करते हैं तो उनके इंटरव्यू दिखावा करे थे। अब हम जी के साथ हैं, तैयारी कई के कोनो नौकरी नहीं पाई, मैंने अतना तैयारी नहीं कहन की कोनो नौकरी पाऊँ। खेती करत हैं लेकिन ऐसा कोई योगदान खेती में इनके नहीं है कि कोनो ये जो है बढ़िया बीज के आविष्कार कई दिन में बढ़िया बीज, कोई कोई बढ़िया जो है खाद के, कोई बढ़िया कोई कृषि कार्य जिससे आसान हो, ऐसा कोई इनके आविष्कार भी नहीं है। ट्रैक्टर वैक्टर अपन चलावत हैं, खेती वेती करत हैं। अब तू पूछियो कि फिर इनका इंटरव्यू कौन बात के करावत हो। भाई हर आदमी सोचता है कि भाई जेके इंटरव्यू करावत है फिर कुछ तो बने, जब अपने क्षेत्र में कौने क्षेत्र में जब नौकरी नहीं पाइन, खेती नहीं कौनो ऐसा आविष्कार कर पाइन, तो इनका इंटरव्यू काहे हो जाते हैं। इंटरव्यू ये बात के हो जाते हैं कि जैसा कि आप लोग इनका जानते हो, ये असली भरतिया के नाम से मशहूर हैं, हमारे छोटके भाई हों। और कोई भी बारात, दुल्हा भूखा रह जाए, सहिबलवा भूखा रह जाए, दुल्हा के बाप भूखा रह जाए, भाई भूखा रह जाए, लेकिन कौनों बारात में अगर दुई आदमी के भी खाए व्यवस्था बारात में है तो इनके खाना नहीं कभी कटत है। तो आज ये आए हैं, कुछ बारात के अपन किस्सा है इनके, ताज़ा बारात का एक किस्सा पहले बता दो, इसके बाद दूसर का किस्सा दूसरे वीडियो में रही। पहले ताज़ा किस्सा बताओ कि का भवा रहा, कैसे कौने बारात में गए हो और का भवा रहा। बरात में गो, अगर पहले हम तो सबका नमस्कार बोला करो, जैसे जो नमस्कार सब दोस्तों को। हाँ, एक है कहानी बरात की। हाँ बरात की क्या कहानी है, तुम अपन अवधिया झोरो कहाँ चाहते। हाँ बताओ क्या चाहते, बताओ। बरात में गो अगर हम, हमसे बड़े वाले भाई और एक दोस्त, और एक दोस्त पंडित जी रहे। पंडित जी, हाँ हाँ तो एक तरफ नाश्ता लगा रहा और एक तरफ खाने की व्यवस्था रही। अच्छा, तो नाश्ता बारात के पहुंचते कम शुरू होगा। हाँ हाँ अपना अब व्यवस्था का रही, व्यवस्था अच्छी व्यवस्था रही, नंबर एक व्यवस्था रही, बारात में नंबर एक की व्यवस्था रही। हाँ जत्ता इंतजाम हो सकत है। हाँ हाँ विभिन्न प्रकार के नाश्ता, विभिन्न प्रकार के खाना, मिठाई। बारात गांव से गए रही। हाँ गांव और शहर में गए रही नहीं। हाँ, हाँ जैसे गांव में वो गांव की बारात हुई, लेकिन अब वो इसे भी कलिया देखे होटल बुक रहा, इसे बुक रहा। अच्छा बुक कि ये रहे बुकिंग वाला सिस्टम रहा। हाँ हाँ पैसा वाली पार्टी रही, थाल थाल के हिसाब से खाना रहा, पैसा वाली पार्टी रही। अब तो रही भी किसी तब तो लाइन बुक करी हो दुनिया के, इतना तीन जाम करी। हाँ हाँ फिर तो जो है नाश्ता नाश्ता होएगा। नाश्ता कर लियो, नाश्ता होएगा। बारात पहुँचे पहुँचे तो हम लोग अपना, तुम दोनों भाई और तुम्हारे पंडित जी, बारात जो ले पहुँचे पहुँचे तो हम लोग फिट होकर कुर्सी पर बैठ गया। हाँ हाँ अब चलो बारात से हमसे का अपन काम बनेगा है। तो पंडित जी कहें यार मिठाई नहीं खा पावा है। हाँ। मिठाई वहर लगी है तो कैसे काम हो। गवा का देखा गया तो पता चला कि मिठाई जब खाना चालू हुई तब मिली, तब मिठाई मिल पाई। हम्म। तो पंडित जी कहें बिना खाए मिठाई तो हम जीबे ना, खाना तो ना खेबे लेकिन मिठाई खाई पड़ी, मजबूरी है। नाम खराब है जिससे कि अगर बिना मिठाई खाए लौट गए। हाँ नाम खराब है जी। तो जो है बैठ गया कुर्सी पर। जब तक एक ठो बेटर रस मलाई धोने धोना लगावे लगा। हाँ। पंडित जी देखें कहीं चलो मैंने शुरू होगा काम। हाँ। दो चार दोना दाबा का तो ले और आदमी आएगी। हाँ। हाँ। तो वहाँ जो व्यवस्थापक रहा, इवेंट मैनेजर। हाँ इवेंट मैनेजर है कह लो। हाँ इवेंट मैनेजर मेरे को सकल नहीं लागत रही ना ही, मैनेजर मेरे सकल का बहुत लेकिन वो चलो मैनेजर ही मान लो। तो जो है अपना मना कर दिए बेटर कि जब खाना शुरू हुई तब मीठा चालू हुई, पहले कहे चालू कही डांट दिस काम रुक गा। पंडित जी कहें यार बहुत बढ़िया लागत रहा लेकिन अब का बताइए। दो तीन पीस खाए मिला, दो तीन दोना यार पीस कहाँ। अच्छा दो तीन दोना पीस माँ काम कहाँ हुई बात है। हाँ। तो जो है
बैठ गए, फिर कहीं ना कहीं रुको। तब तक दूसर बेटर पहुंच गया, वो लगावे लाग रसमलाई, रसमलाई वो शुरू कर दी। फिर हम लोग पहुंचे तो हम लोग उठाए चले आए, और पंडित जी के बारी आए रही उठावे, दोनों हाथ में पकड़ावे जात रहा। तब तक वही आदमी फिर आएगा, बस उके दो तीन तमाचा बेटर के मार दे, बेटर के लगाए दी। नालायक, बता दिया खाना शुरू होगा तब मिठाई चलेगी, बार बार बताने आएंगे। पंडित जी का बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, हद से ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि रसमलाई दोनों उनके हाथ से एकदम लौट गया, हाथ से लौट गया। अब जो है करें का, चले आए। अब वहां एक सीन और हो गए, क्या सीन हुई है? पीछे पंडित जी के दुल्हा के फूफा जीजा टाइप के ऊपर हुई भी करी है, इतना गुस्सा बिरात माँ नहीं करा और कोई के उखार में पंडित जी ऋषि सकत रहेगा, फूफा हुई थी तो इन पंडित जी कहाँ गुस्सा ने चले आए। तो दुल्हा के फूफा के बारे में हमें सबका जानकारी ना है भाई। हाँ, कि मतलब दुल्हा के फूफा नहीं पाए, पीछे रहे हैं, हमसे कहा जाने किए हुए, उन्हें अपना फुल स्पीड पकड़ ली है। अब हुआ जो उन कुछ भवा हो, फिलहाल एक लोग मनावत दनावत फूफा का लेकर पहुंचे बलाइन, फूफा चल देना का बराबर है तो का बलाइन बेटर का मैनेजर का है। हाँ, इनका पहचान तो क्या, कैसे रसमलाई नहीं दे दी इनका, और मतलब डांटे फटकारे लगे कि नालायक हो, मेहमान नहीं पहचान तो का। आप पंडित जी की अचानक बिजली कौंधी कि मामला सही है, कहें दौरे, कहें नालायक बच्चे क्यों मारे बे, बच्चे क्यों हाथ लगाया, तुमका अपन मार जूतन मार चप्पल काट दे बे तुम, इन्हें तो जो मतलब समझाए देते हो गलत काम कैसा ना जान पैसा, और कैसे मार दिया, और 1,000 करोड़ गाड़ी मतलब जो न कहीं मिली तो उन गाड़ी एकदम जूता निकाले तैयार हो बार 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 बार। अब वो बेचारा मैनेजर के हवा सड़की रहा है, अब वो जो लेके आए रहे फूफा का उन्हों बन बगल हो गया, अब खाली पंडित जी फुल गियर लगाए और एक किरवा जत्ते होते हैं बीने कहा थे किरवा तक बीन गए। अब मैनेजर जो है सिट्टी पिट्टी को कहीं कुछ ना है, बच्चे बुलाओ माफी मांगो, भरे समाज में माफी मांगो, जस भरे समाज में मारे हो वैसे माफी मांगी हो, मैं यार तुमका जूता से तुम्हारे बाल बनाए देगा। खैर जब मुंह सुखाएगा बक्कत बक्कत गाड़ी बक्कत बक्कत, हाँ, तब आए बैठे बोतल उठाई पानी पी, कहीं मार होएगा, कहीं ना ऐसा है भैया बच्चे से हमसे कोई मतलब नहीं रहा, बच्चे का ही चाहे जत्ता मरती, हम का दुनवा दवाई देती, अब तो कहे हमू कहती तू मारो यार गलत कही गा है तो हमको मारती, लेकिन हमार दोनों रुकवाए दी तो हम अपन गुस्सा तो उतार के लीन है और जाए इनके काम होगा। पंडित जी उठे और चल दे, चल दे बारात के पहला किस्सा, नहीं तो वो मतलब बदे मिठाई खाई ना तब चले रहे ऐसा ना है कि तब तक चलो होगा काम। बहुत सही, शाबाश।